मेरबा एंड वेलकम टू इलियान अल करीमन कॉन्वर्सेशन। हमारे आज के गेस्ट हैं मोहम्मद जुनेद, जिनको हमारी ऑडियंस एज अ करंट अफेयर्स होस्ट, एंकर, मीडिया पर्सन जानती होगी। लेकिन जुनेद भाई, मैं आपको एज जुनेद भाई जानता हूं, एंड ऑडियंस को शायद ये ना पता हो कि आप एक एथलीट भी हैं जिन्होंने इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है मैराथन्स में। कितने मैराथन्स किए हैं आपने? थैंक यू इलियान, बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई आज आपसे इस मुलाकात के मौके पर, माय जो कि प्लेजर। एक वीडियो कॉल के जरिए से हो रही है। और ये बात अब काफी लोगों को बहुत तफसील से मालूम है कि मैं और मेरे कुछ करीबी दोस्त रनिंग में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं पिछले चंद सालों से। तो मैंने एक ही इंटरनेशनल मैराथन रन की है, और वो इस्तंबुल में की है, जहां आपसे भी मुलाकात हुई थी, बिल्कुल और वो 2021 में थी। और उसमें मुझे अपनी मैराथन से कुछ रोज पहले एक इंजरी का सामना करना पड़ा था, एक मसल स्पैज़म का। लेकिन उसके बावजूद भी वो मैराथन कंप्लीट की, और वो जिंदगी के चंद बेहतरीन तजर्बात में से एक तजर्बा था। अपने अमेजिंग। बहुत ही करीबी जो रनिंग ग्रुप है, सीव्यू रनर्स क्लब, उसके दोस्तों के साथ वो मैराथन रन करना। सो आई स्टिल मिस इस्तांबुल, एंड वी रियली लव्ड इट। इट वाज माय फर्स्ट टाइम टू बी इन इस्तांबुल, जहां हमने कयाम किया उस मैराथन के लिए। तो बहुत ही एक यादगार तजर्बा था। मुझे याद है, इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। आप कंबाइंड कितने माइल्स और कितने किलोमीटर्स या कितने घंटे भाग चुके होंगे अभी तक, ट्रेनिंग वगैरह इंक्लूडेड? मैं बहुत कोशिश करूंगा कि सही आदाद शुमार आपके सामने रखूं। मेरे दोस्त मुझसे बहुत ज्यादा रनिंग में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि अदनान गांधी, सादिक शाह, फैसल शफी। ये लोग बहुत प्रो लेवल पर अब रनिंग कर रहे हैं, और ज्यादा मैराथन्स भी मार चुके हैं। इनमें से कई दोस्तों ने अभी बर्लिन और लंदन मैराथन कंप्लीट की है। तो ये लोग तो एक महीने में 300 किलोमीटर से ज्यादा भागते हैं। तो चूंकि ये ट्रेनिंग कर रहे होते हैं अपनी मैराथन्स की, कोई ना कोई अगले इवेंट की, तो 250 से 300 किलोमीटर या 300 किलोमीटर से भी ज्यादा ये एक महीने में भागते हैं। मतलब तो दस एक किलोमीटर अ वीक डे। में कह सकते हैं आप, और एक वीक में कुछ 70-80 किलोमीटर ये लोग जरूर भागते हैं। तो हम यहाँ पे जो अपने ग्रुप में रनिंग करते हैं, उसमें पूरा वीक जनरल रनिंग होती है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, और फिर हफ्ते की सुबह एक लॉन्ग रन ऑर्गेनाइज किया जाता है पूरे ग्रुप के साथ, जो कि 20-21 किलोमीटर होता है। हाफ मैराथन डिस्टेंस 21.10 किलोमीटर, और या फिर इससे भी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस भागते हैं वो लोग जो कि मैराथन के लिए जा रहे थे। जैसे कि अभी हमारे कुछ लोग इस्तांबुल मैराथन भाग रहे हैं, कल संडे को भागेंगे वो। हमारे कुछ दोस्त जो इस्तांबुल मैराथन रन कर रहे हैं अब इस साल की, 2022 की, तो उन सबने 30-40 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस रन भी अपने किए हैं वाह, कराची ही में, डीएचए की कराची में सड़कों पर। करना तो भाई मतलब तो इस मौसम में ट्रेनिंग करना वाकई एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये सब लोग करते हैं। उससे मुझे और दोस्तों को भी इंस्पिरेशन मिलती है। तो मैं उनके काफी बाद में आता हूँ इस पेरिस में, लेकिन मैं भी उनके ग्रुप में शामिल हूँ एज ए रनर। एंड काफी मीडिया पर्सनालिटीज को कुछ पिछले कुछ सालों में मुल्क छोड़कर जाने की नीड पड़ी है, और आवाम कहती है कि वो भाग गए हैं। तो क्या ये जो मैराथन वगैरह है, क्या आप भागने की प्रैक्टिस कर रहे हैं? वे लोग कहते यही है कि कितना भागोगे और भाग के कहाँ जाओगे, लेकिन नहीं, इसका हरगिज इससे ताल्लुक नहीं है। और बट या आई मीन मेरे ख्याल से कोविड के बाद इलियान बहुत ज्यादा लोगों को एहसास हुआ कि फिजिकल एक्टिविटी, ऑफ कोर्स एक्सरसाइज, रनिंग या कोई भी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना कितना जरूरी है। तो रनिंग उसमें शायद रनिंग करना तो मुश्किल है जब आप ज्यादा डिस्टेंस करते हैं, लेकिन इसको शुरू करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको एक सिर्फ स्पोर्ट्स टी शर्ट और शॉर्ट्स चाहिए, और एक आपके पास अच्छा रनिंग शूज होना चाहिए, यस। बस। तो इनफैक्ट कल आप ही कहीं भी मैंने पार्क में, कहीं भी सड़क पे भाग सकते हैं। जी इनफैक्ट कल ही मैंने रनिंग शूज खरीदे हैं, तो आई थिंक वो इंस्पिरेशन वेरी ऑटोमेटिकली गुड। जाग गई है कि करना है। पिछले साल से आपके ऊपर असरात मुरतब होना शुरू हो गए जो अब सामने आ रहे हैं। जी अच्छा वेरी जुनेद गुड। भाई, आपके पास एक और टाइटल भी है जिसका आपको शायद पता ना हो। आप पाकिस्तानी मीडिया के सबसे एलिजिबल बैचलर्स में से एक हैं, तो क्या ये टाइटल That's आपने डिफेंड करते रहना है, या इसको भी आप गिव अप करने का कोई इरादा है? a very good question, Ilyan. That's very kind of you to be concerned about that. पर हाँ, ये बात सही है, बहुत से दोस्त ये कहते हैं, लेकिन
मेरे ख्याल से हमेशा नहीं रहेगा ये स्टेटस, और इसको डिफेंड करने का भी मेरा कोई इरादा नहीं है. बट इट ऑल वर्क्स व्हेन यू हैव मेट द राइट पर्सन इन योर लाइफ. सो राइट पार्टनर एट द राइट टाइम इज द थिंग. एंड समटाइम ये जल्दी होता है जिंदगी में, और बाज मरतबा ये कुछ तखीर से होता है. तो इसी जस्तजू में चल रही है जिंदगी में. बिल्कुल। चलिए ये कंक्लूड करता है हमारा जुनेद भाई वाला सेगमेंट। अब हम आते हैं एंकर, होस्ट एंड जर्नलिस्ट मोहम्मद जुनेद के क्वेश्चंस पर। कि चलो जुनेद भाई, पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक मुल्कों में से कंसिडर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ जर्नलिज्म, के जर्नलिस्ट के लिए, तो क्या आपने ये खतरा कभी महसूस किया है? जी लियान, मैंने तभी अपने सभी दोस्तों और कॉलीग्स के साथ से इसका तजर्बा किया है पिछले 13-14 सालों में कराची में. और 2009 से 13 तक तो तब भी बहुत बदतरीन हालात थे. 2013 के बाद कुछ हालात बदल गए अमन अमान के हवाले से. तो ये सिलसिला रहा हमें भी 2013 तक, तो हर 1-2 दिन के बाद ही इस चीज का सामना करना पड़ता था कराची में. कोई ना कोई खतरा, कोई ना कोई धमकी, कोई ना कोई वार्निंग किसी ग्रुप की तरफ से, कोई खबर ऐसी चल गई है टेलीविजन पर, कोई बात ऐसी किसी प्रोग्राम में कही गई है, तो उसकी वजह से गमो गुस्से का सामना करना पड़ता था, जो कि बाज दफा ज्यादा खतरनाक भी हो जाता था, इसलिए एहतियात करनी पड़ती थी. लेकिन हड़तालें बहुत होती थी कराची में, सड़कें बंद, ट्रैफिक बंद, तो उसमें भी काफी खतरात का सामना करना पड़ता था. अक्सर आप सड़कों पे हैं तो एक ग्रुप आ गया जो मुश्तैल है और आपकी गाड़ी को तोड़ना चाहता है, आपको वो जी नुकसान पहुंचाना चाहता है. लेकिन बस महफूज रहे मजमूई तौर पर खतरा हर वक्त मंडलाता रहता था. और कराची आपको एक पता ऐसा शहर है जहाँ पे स्ट्रीट क्राइम भी बहुत ज्यादा है, यस जिसको यहाँ की इंतजामिया, पुलिस और दीगर लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते. चूंकि मेरे और हमारे दोस्तों के ख्याल के मुताबिक यहाँ पे इतना एतबार नहीं है पुलिस पे लोगों को, इसलिए वो अक्सर रिपोर्ट तो क्राइम रिपोर्ट ही नहीं करते. जी हाँ लेकिन ये भी रहा है सिलसिला, तो उस वजह से हर वक्त एक फिक्र रहती है कराची में, इसमें कोई शक नहीं है. चाहे आप पैदल हो, मोटरसाइकिल पर हो, गाड़ी में हो, आपको किसी ना किसी तरह का खतरा लाहक है कराची में दूसरे शहरों की निस्बत ज्यादा. तो वो ये कह सकते हैं कि 2013 के बाद इलान अमनो अमान, हड़ताल, शटर डाउन, शहर बंद होने के हवाले से तो बहुत बेहतर हो गए, पर जराइम में कोई खातिर का कमी नहीं हो पाई. तो इसलिए सही हर वक्त एहतियात करनी पड़ती है कि आप ऐसी किसी सूरत हाल के शिकार ना हो जाएं जहां आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचे, बिल्कुल और अपनी जाहिर है जानो माल की हिफाजत करना एक बड़ा कठिन मरला होता है. जहां तक बात रही जिन लोगों की राय की वजह से उनको निशाना बनाया जाता है, तो वो सहाफी जो हमारे कई साथी हो सकते हैं उनको ज्यादा मुश्किल होती हैं, हमें भी रहती हैं, पर शायद मुख्तलिफ हो सकते हैं सबके लिए सही। हालात. और आप मीडिया में काफी टाइम से हैं, तो आपको इसके कोई सॉल्यूशंस नजर आते हैं कि क्या किया जा सकता है? देखिए बर्दाश्त वैसी कम हो गई है माशरे में, पाकिस्तान में भी, तो सहाफत में भी बहुत बर्दाश्त कम हो चुकी है, और पहले भी कम थी. लेकिन मेरे ख्याल से जो अप्रैल 2014 है पाकिस्तान में, उसने बहुत एक वाज़ह फर्क पैदा किया है. उससे पहले क्या हालात थे, उससे पहले क्या बर्दाश्त थी, किसी की राय को सुनना, उसका एहतराम करना और उसको कबूल करना, या उससे एक बहुत ही मुहज़्ज़िब तरीके से इख्तलाफ करने का जो कह लीजिए तरीकेकार है, वो खत्म हो चुका है 2014 के बाद से बहुत तेजी से. तो इसका हल यही है कि आपस में मिल बैठे, एक दूसरे के साथ जब बात करें तो कोई सेट रूल्स हो, कोई तरीकेकार तय करे, बताया जाए कि भाई एक दूसरे की इज्जत एहतराम अपनी जगह, उसकी अहमियत रहनी चाहिए, राय से इख्तलाफ हो सकता है. और इसके अलावा मेरे ख्याल से जो तंजीमें हैं, सहाफती तंजीमें पाकिस्तान में, वो अपने तौर पर बहुत कोशिश कर रही हैं कि हुकूमत के साथ मिलकर काम किया जाए, कि सहाफियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, और ये समझने की कोशिश की जाए कि उनका बुनियादी काम रिपोर्टिंग करना है, उनका बुनियादी काम अपनी राय का इजहार करना है, उनकी बुनियादी काम ओपिनियन मेकिंग है माशरे में, तो उसकी उनको गुंजाइश देनी चाहिए है. चूंकि कई डेकेड्स पहले तो एलान आपको पता है जंगों के दौरान भी सहाफियों की हिफाजत की जाती थी, जी उनको हाँ तहफ़ुज़ फराहम किया जाता था, और बहुत बड़े बड़े वॉर रिपोर्टर्स मशहूर थे उस जमाने में, तो वो जंगों के बीच में रिपोर्टिंग करते थे, पर तमाम तरफ तरफ के लोग उनकी हिफाजत को यकीनी बनाते थे यस, वो और तो उनको इंटरनेशनल निशाना ट्रीटी बनाने. से प्रोटेक्टेड थे ना।
जी, तो वो मेरे ख्याल से आम जिंदगी में भी अब उस कल्चर की जरूरत है, लेकिन यस, मुश्किल है ये काम, बहुत मुश्किल है। बट तो होपफुली दिस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट इन टू अ लॉट ऑफ डेंजर। बट फिंगर्स क्रॉस्ड, नॉक ऑन वुड के उम्मीद रखनी चाहिए बिल्कुल कि किसी ना किसी दिन बेहतर हो सकेगा। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान में इलेक्शंस का इस वक्त बहुत शोर चल रहा है, आपके ख्याल में क्या इलेक्शंस जल्दी हो जाएंगे या टाइम पे होंगे? और जिससे पहले आप इस बात का जवाब दें, मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस जो आपकी होगी इस बात पे, इसकी आपकी पर्सनल बिलीव्स, आपके इदारे के पर्सनल बिलीव्स, मेरे पर्सनल बिलीव्स, मेरे इदारे के पर्सनल बिलीव से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, शुक्रिया इस बात की वजाहत के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि मुल्क की मईशत पाकिस्तान की वो ठीक होनी चाहिए, उस पर तवज्जो होनी चाहिए, और उसके लिए अगर जो मौजूदा हुकूमत है उसको आइनी मुद्दत अपनी पूरी करनी चाहिए ताकि वो कुछ माशी इस्लाहात कर सके, मईशत को बेहतर कर सके, बजट बेहतर पेश कर सके जी अगले बरस। और इस वक्त जो महंगाई का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा पाकिस्तान में लोगों को, उसमें कुछ खातर खा कमी ला यस सके हुकूमत, तो उसके लिए क्या कहते हैं अंग्रेजी में जो बहुत ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल होता है, स्टेबिलिटी, यस उसकी बहुत अशद जरूरत है पाकिस्तान को। और अक्सर राय यह है लोगों की कि अगर फौरी इंतखाबात की तरफ चले जाते हैं तो फिर वो बेयकीनी की फिजा खत्म नहीं हो सकेगी, इस्तेहकाम आ नहीं सकेगा, तो ना महंगाई खत्म होगी, ना मुलाजमतें लोगों को मिलेंगी, ना ही जो आप समझ लीजिए कि लोगों की आमदन है और पैसे और पाकिस्तानी रुपए की घटती हुई कदर है वो बेहतर हो जी सकेगी। तो इसलिए लगता ये है कि अगले बरस जब आइनी मुद्दत मुकम्मल होगी इन असेंबलीज की तभी इंतखाबात होंगे सही बजाहिर। और आम लोगों की राय, या मैं एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पे जो समझता हूँ, अगर उसके लिए ये जरूरी है कि माशी इस्तेहकाम आए पाकिस्तान में, लोगों की फलाह के लिए कुछ हो सके, और उसके लिए ये हुकूमत एक यकसुई के साथ काम करे बगैर किसी बेयकीनी के, तो फिर यही तरीका सही है। और कब तक लगता है आपको कि ये स्टेबिलिटी जो है हम पाकिस्तान में देखेंगे, इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली? अब रोजाना ही इसका इंतजार करते हैं कि अगले आने वाला दिन बेहतर हो, पर अब तक ऐसा नहीं हो पा रहा। हर अगला आने वाला दिन एक बहुत ही नई किस्म की मुश्किल लेकर आता है, तो अभी तो हालात बड़े कठिन हैं और मेरे ख्याल से परेशानी भी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के यानी आवाम में, आम लोगों में, के आगे मुस्तकबिल में क्या होगा, क्या रुपए की कदर बढ़ेगी, क्या महंगाई कम होगी, जी क्या रोजगार के मौके बेहतर होंगे। इस वक्त उम्मीद है कि ये होगा, पर शायद अभी बहुत ज्यादा यकीन से लोग नहीं कह सकते। अच्छा, एक चीज अभी मेरे दिमाग में आई, आपने कहा कि क्या महंगाई कम होगी। अब हम सुनते तो ये बहुत हैं कि जी जब इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन आई डोंट थिंक मैंने आज तक कभी देखा है प्राइसेस को नीचे जाते हुए, सिर्फ ऊपर आते हुए देखा है। तो क्या ऐसा होता है कि जी प्राइसेस कम होती हैं? होता है इलियान, देखिए तेल की कीमतों से बहुत ज्यादा इसका बराह रास्त ताल्लुक होता है, जो ओके माशी माहिर हमें ज्यादातर बताते हैं। और मैंने खुद भी याद करने की कोशिश की आपके सवाल के बाद कि 2013 और 17 के दरमियान तेल की कीमतें आलमी मार्केट में बहुत कम हो गई थी, तो अब पाकिस्तान में 114 रुपए पर भी पेट्रोल की कीमत चली गई थी, जो फिर घटकर 53 रुपए पर भी आई वापस। तो नामुमकिन तो नहीं है अगर मजमूई तौर पर दुनिया के माशी हालात बेहतर हो, पर हाँ आपकी बात सही है कि हमेशा ऐसा होता नहीं है। एक दफा गाड़ी महंगी हो गई, एक दफा मोटरसाइकिल महंगी हो गई, तो एक फिर दफा सस्ती नहीं आलू होती है। टमाटर महंगे हो गए, तो बहुत मुश्किल से ही सस्ते होते हैं, और कभी भी उतने सस्ते नहीं होते जितने कि वो दरअसल महंगे होने से पहले सस्ते थे। एग्जैक्टली तो ये एक चैलेंज है इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लिए कि वो इसमें वाकई कुछ ऐसा काम करके दिखाए जिससे लोग उनकी इस कारकर्दगी को तस्लीम करें। ऑफ कोर्स। और आपने एंकरिंग इतने सालों की है, तो उससे Yeah. रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये है कि कितना जरूरी है एक एंकर के लिए कि वो फील्ड रिपोर्टिंग करे उससे पहले? बहुत जरूरी है, और हमें तो एंकरिंग के दौरान ही मौका मिला। एक ट्रेंड था पाकिस्तान में जिसमें बहुत ज्यादा बड़े इवेंट्स थे 2008 से 15-16 के दरमियान और फिर 18 तक भी इलेक्शन में। तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप जिंदगी में चंद मौके पे तो जरूर ऐसी असाइनमेंट में हिस्सा लें, मेहनत से काम करें। अब वो मुख्तलिफ हो सकती है, इलेक्शन की कवरेज भी हो सकती है, कोई लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, फ्लड्स भी हो सकते हैं, जलजले के बाद के हालात हो सकते हैं,
तो ये सभी करने का मौका मिला है मुझे जियो न्यूज में दीगर साथियों के साथ। उसमें इलेक्शंस भी हैं, उसमें फ्लड्स की कवरेज है, गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बाद के हालात हैं, अताबाद लेक डिजास्टर, 2010 के सैलाब के बाद जो पाकिस्तानी लोगों के हालात थे उसमें, पेशावर में और जनूबी पंजाब में बहुत ज्यादा बदतरीन तबाही हुई थी सैलाब से, तो उसकी कवरेज, और फिर जलसे और जुलूस जो है उनकी कवरेज मेरे ख्याल से पाकिस्तान में किसी भी एंकर और रिपोर्टर ने सबसे ज्यादा की है 2011 से 22 के दरमियान, और सिलसिला अभी भी चल रहा है। बहुत जरूरी है, जब आप जमीनी हकायक को अपने करीब से देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सीखने का मौका मिलता है, और आपकी अंदाजे गुफ्तगू, आप का जो एक तरीका है मालूमात को समझने का, खबरों को समझने का, खबरों को बयान करने का, खबरों को लोगों तक पहुंचाने का, वो बहुत ही ज्यादा उसमें बेहतरी आती है। तो जियो में तो मेरे ख्याल से अक्सरियत लोगों को मौका मिला है। पिछले चंद बरस पहले तक तो सिलसिला जारी था, और 2013 के इंतखाबात तक भी बहुत भरपूर कवरेज पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में की गई। तो मेरे ख्याल से ये सभी को करना चाहिए, चाहे यंग लोग हों या चाहे एक्सपीरियंस हो, हर कुछ अरसे के बाद आप कुछ भी नया सीख सकते हैं इस क्षेत्र में। बिल्कुल, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, यू राइट। ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच जुनेद भाई, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत मजा आया, एंड ऑन दैट नोट एब्सोल्युटली। दिस इज इलियान करीम साइनिंग ऑफ.